शाउट आउट टू जोरो, भोई ने बैट लगाया था कि हमारे काइडो चिचा अब उठेंगे नहीं, एंड ये शर्त जीत गए हैं। वैसे ये जो चैप्टर था 10-50, वो तुम्हें कैसा लगा? मुझे लगता है कि इस चैप्टर पर मिक्स्ड रिस्पॉन्स आने वाला है। कुछ को तो मस्त लगा हुआ ये चैप्टर, और कुछ को लगा कि फाइट डिसअपॉइंटिंग था ऐसा वैसा। मुझे तो ये चैप्टर मस्त लगा, अच्छा तो था यार। चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं अबाउट दिस चैप्टर आफ्टर दिस इंट्रो यार, एंड ओल्ड इंट्रो इज बैक बिच, लेट्स बिगिन। मेरे को इस चैप्टर में एक चीज़ बहुत पसंद आया, और वो है कि इस चैप्टर के पहले पेज में ही काइडो लूफी फाइट का विनर अनाउंस नहीं हुआ। भाई पता नहीं, बहुत गंदा लगता है फर्स्ट पेज पे जब भी विनर अनाउंस होता है, तो बहुत गंदा लगता है, अजीब लगता है यार। मस्त इस चैप्टर के आखिरी के तीसरे चौथे पेज पे कंफर्म विनर डिक्लेयर हुआ है, एंड हमारा फेवरेट कैरेक्टर मोंकी डी लूफी इज़ फाइनली डिक्लेयर्ड एज द विनर। और काइडो तो भाई साहब उसका वापस आने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। फाइट एंड ये वाला, और फॉल ऑफ टू योंकोस मोस्ट लाइकली हो ही गया है, एंड लूफी ने काइडो को हरा के ऑलवेज बेट ऑन काइडो इन 1v1 वाले स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया। नाइस। ओके, सो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि लूफी का जीत कंफर्म हुआ है इस चैप्टर में। इसके साथ साथ अब डेंजिरो चीचा पूरे वानों के सामने अपने आप को रिवील करने वाले और बोलने वाले हैं कि फक क्योशिरो, मी इज डेंजिरो चीचा। हियोरी भी पूरे वानों के सामने अपने आप को रिवील करने वाली है कि वो कोमुरा साकी नहीं, ओडन पुत्री हियोरी है। चोदुनो उसके एज एन एडल्ट विद बच्चा बुद्धि सबके सामने आने वाला है, वो भी फ्यूचर शोगुन के तौर पे, बेसिकली वानों के लोग अब कोजुकी का शासन वापस देखने वाले हैं, एंड वो चीज़ का शुरुआत इस चैप्टर से हो चुका है, इस चैप्टर के साथ ही हो चुका है। मोर ओवर टू योंकोस का फॉल ये चैप्टर बहुत हद तक कन्फर्म कर देती है, और यामाटो भी वानों के लोगों के सामने अब रिकॉग्नाइज हो कि एज अ हीरो, एज अ हीरोइन। एंड अब फाइनली एक्ट थ्री ख़त्म हो जाएगा, आई गेस अगले चैप्टर में एक्ट थ्री ख़त्म हो जाएगा और एक्ट फोर चालू हो जाएगा। पहले तो बात करते हैं लूफी वर्सेस काइडो की। भाई मज़ा आ गया। यस, आई वॉन्टेड काइडोज अवेकनिंग, बट अगर तुम सोचने जाओ तो काइडो ने जो अवेकनिंग के बारे में बोला था कि अवेकनिंग में बॉडी फुल पोटेंशियल को हैंडल करने लाइक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो मे बी काइडो फाइट में बहुत पहले से ही अवेकनिंग यूज़ कर रहा था। काइडो का डिफीट अच्छे वे में हुआ मेरे हिसाब से। काइडो एज अ विलन भी बढ़िया लगा मेरे को। मैं सोच रहा कि काइडो पे एक अलग से वीडियो बनाऊं किसी दिन अगर मेरे को टाइम मिला तो। भाई मतलब तो मैं आलसी है, यू नो। बाय द वे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वे यामाटो लुक्ड एट लूफी? मस्त था ना, लाइक यार जिंदगी में ऐसे देखने वाली बस चाहिए यामाटो यार। आई एक्चुअली वॉन्ट कि यामाटो को वानो वाले एक हीरोइन के तौर पे रिकॉग्नाइज करे विद स्ट्रॉ हैट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, क्योंकि आई थिंक कि वही है MVP इस वॉर की। क्या पता काइडो पुत्री है तो शायद वानो वाले उसको एक्सेप्ट ना करे। वैसे सोचने जाऊँ तो नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वो स्ट्रॉ हैट बन जाए, बाकी तो मौज है। फिर लूफी की अगर बात करें तो वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया है आफ्टर दिस फाइट, एंड ही इज़ बेहोश, अनकॉन्शियस। उसका अवेकनिंग वाला फॉर्म गया अभी के लिए। इसके अलावा चैप्टर में अपने को एक छोटा सा स्वीट सा स्टोरी बताया है ऑफ यासुई एंड ओतोको, विच वॉज वेरी नाइस। यासुई वॉज अ गुड फादर, और मोमो ने बोल दिया सुनिशा को कि मैं अभी गेट्स नहीं खोलने वाला, बाद में खोलेगा, लेकिन बाबू बाहर वर्ल्ड गवर्नमेंट आ चुकी है, क्या उनमें इतना पेशेंस होगा? वैसे अभी अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट वानों पे अटैक करती है, मतलब वो जो बाहर शिप्स है वो अटैक करती है, तो आई गेस ये सब मिलके उनकी गुद्दी चटका ही देंगे, राइट? तो वानो इज सेफ नाउ आई गेस। अच्छा, इस चैप्टर में वॉल्केनो वाला और मैग्मा पूल वाला दुनिया भर का हरकत हुआ है। तुमको हो सकता है कि ढंग से समझ नहीं आया होगा पूरा सिनेरियो, इसलिए मैं तुमको ब्रीफ में समझा देता है। तो बिग मॉम और काइडो जो है ना, ये दोनों फ्लावर कैपिटल के वॉल्केनो के नीचे वाले मैग्मा पूल में गिर गए हैं। काइडो इतना नीचे गिर गया क्योंकि लूफी उसको कस के मारा था लास्ट चैप्टर में, और बिग मॉम कैसे गिरी बता दे रहा मैं। तो जब लॉ बिग मॉम पे अपना फाइनल क्रूम अटैक किया था, तब ना ओनिगाश्मा एकदम फ्लावर कैपिटल के ऊपर ही था, तो जब बिग मॉम ओनिगाश्मा के गड्ढे से गिरी ना, तो वो सीधा फ्लावर कैपिटल में ही गिरी, वो वॉल्केनो के पास, और पूरा नीचे मैग्मा पूल में ही गिर गई भाई वो। बाय द वे एक चीज़ क्लियर कर दे रहा मैं, फ्लावर कैपिटल वाला वॉल्केनो इस चैप्टर में नहीं फटा है, वो वॉल्केनो अभी तक नहीं फटा है। एक अंडर वाटर वॉल्केनो फटा है जो उडोन के पास सिचुएटेड है, और ये फटा है क्योंकि बिग मॉम और काइडो के जमीन फाड़ के मैग्मा पूल के नीचे गिरने की वजह से उस जमीन के एरिया में इंटीरियर क्रैक्स आ गया है, जिसकी वजह से ये वाला वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। बाय द वे, मैंने एक थ्योरी वीडियो ऑलरेडी डाल दिया अराउंड दिस टॉपिक, यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट।
और मुझे लगता है कि तुमको समझ आ गया राइट कि क्या सीन हुआ है इधर पे। और ध्यान दिया कि काइडो का एक हॉर्न टूट चुका है। मैंने अपने लास्ट ओपिनियन चैप्टर मतलब भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, मैंने अपने लास्ट चैप्टर ओपिनियन वीडियो में भी ये चीज़ पॉइंट आउट किया था। और काइडो कंफर्म हार गया है, अब वो नहीं आने वाला, क्योंकि काइडो को अपन उसके बेस फॉर्म में देखे हैं इन मैग्मा पूल। और जब भी कोई जुआन फ्रूट यूज़र हारता है ना, वो ऑटोमेटिकली अपने बेस फॉर्म में रिटर्न कर जाता है, और यही काइडो के साथ भी हुआ है। लेकिन बिग मॉम और काइडो अभी भी बच सकते हैं, मैंने अपना थ्योरी वीडियो में बताया कि कैसे, तो जाके उसको देखो तुमको समझ आ जाएगा कैसे। और चलो अब बात करते हैं एक ऐसे चीज़ की जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं बात कर रहा अप्पू की। तो नेकोमुशी ने सबके सामने लूफी का विक्ट्री अनाउंस किया है, और इसको पता है किसने सुना? अप्पू दोगला ने। अब अप्पू ये चीज़ बताएगा मोर्गन्स को, क्योंकि वो मोर्गन्स का खबरी है, और मोर्गन्स पता है ना कि एग्जैगरेट करने वाला है हर चीज़ को, मतलब वो वैसा ही है। तो ये चीज़ से स्ट्रॉ हैट एज ए योंगो क्रू उभरने वाली है 100%, और ये चीज़ से जो बाउंटी बढ़ने वाली है भाई साहब, स्पेशली सुपरनोवा ट्रियो का, लूफी किड लॉ का, क्योंकि तीनों ने योंगो को हराया है। हाँ, हेल्प से और सिचुएशन को यूज़ करके हराया, बट ये चीज़ मोर्गन्स थोड़ी छापेगा, वो तो इनका विक्ट्री ओवर योंकोस छापेगा ना। और भाई वो तो क्लियरली बोलेगा पता है कि लूफी ने काइडो को 1v1 में हराया, वो अलग बात है कि यामाटो जोरो दुनिया भर के लोग जो है मेहनत किया उस चीज़ में, बट ठीक है लूफी ने भाई अकेले हराया ये बोलेगा भाई मोर्गन्स तो। और पूरे वर्ल्ड में पता चल जाएगा कि भाई काइडो 1v1 में कभी नहीं हारता था, लेकिन लूफी ने उसको हरा दिया, भाई गॉड लूफी। तो लूफी का और किड लॉ का प्लस बाकी स्ट्रॉ हैट का भी बाउंटीज बहुत बढ़ने वाला है। किड लॉ का पता नहीं, बट लूफी तो एज ए योंको पक्का इमर्ज करने वाला है। क्या पता मोर्गन्स ये तीनों को योंको हंटर टाइप का कुछ टाइटल दे दे, मस्त कूल साउंड कर रहा है ना, योंको हंटर। वेल वानो जल्दी पूरा रैप अप होने वाला है, आई गेस अगले चैप्टर में ही हो जाएगा शायद। एक्ट 3 अभी बस एक दो चैप्टर का ही बचा है मेरे हिसाब से। वानो वॉर ऑफिशियली एंड हो चुका है विद द विक्ट्री ऑफ सामुराई मिंग के डिंजा पायरेट अलायंस, जो भी था भाई वो दुनिया भर का अलायंस। आई होप कि यामाटो स्ट्रॉ हैट को ज्वाइन करेगी, आई वॉन्ट टू सी दैट। और अब नेक्स्ट वीडियो में शायद पूरा रिवील बाजी होगा ऑफ स्कैबर्ड्स, हियोरी, मोमो, इन सब का रिवील होगा इन फ्रंट ऑफ वानो सिटीजन्स, और मोमो का एडल्ट फॉर्म में शक्ल भी दिखेगा शायद। आई एम एक्सपेक्टिंग गुरा रा 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 फ्रॉम मोमो, ठीक है। #NTR जुनेशा वर्ल्ड गवर्नमेंट के हरकतें के लिए मैं एक्साइटेड है। काइडो और बिग मॉम तो गए, आपको कैसे इधर से भागेगा मेरे को देखना है, और बिग मॉम पायरेट्स का क्या हुआ है देखना है यार, अभी भी उसका थोड़ा रखे हैं मिस्ट्री में। डेंजिरो चीचा कुछ हरकत किए हैं क्या, शायद डेंजिरो चीचा कुछ हरकत करके आए उनके साथ, मे बी। और बस दिस वॉज ऑल माई ओपिनियन ऑन दिस चैप्टर। चैप्टर मस्त था, एकदम बढ़िया था, तुमको नहीं लगा अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना ओपिनियन रख सकते हो इन कमेंट सेक्शन, बताओ भाई तुमको क्या अच्छा नहीं लगा क्या अच्छा लगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में आज सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।